हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। कांग्रेस की नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मीरदास सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली में उन्हें भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ज्योति मिर्दा की असल पहचान नागौर के उस दिग्गज जाट नेता नाथुराम मिर्दा से है, जो केवल नागौर से ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेताओं में से एक थे, साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हीं नाथुराम मिर्दा की पहचान से उनकी पोती ज्योति मिर्दा साल 2009 में नागौर से पहली बार सांसद बनी। हालांकि उसके बाद 2014 और फिर 2019 में लगातार उन्हें दो बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस ने नागौर सीट से किसी दूसरे चेहरे को तवज्जो नहीं दिया। अब ज्योति मिर्दा का बेनीवाल से सीधा टकराव होगा। ज्योति मिर्दा पार्टी में तो एक बड़ी पहचान रखती थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी ये पहचान ये भी थी कि वो नागौर में हनुमान बेनीवाल से सीधा टक्कर ले रही थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्दा ही एकमात्र ऐसी नेत्री थी जो मोदी लहर के बावजूद सबसे कम मार्जिन से हारी थी, और उनके हारने का कारण भी हनुमान बेनीवाल थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े और मिर्दा का वोट काटे थे। वहीं 2019 में भी ज्योति मिर्दा को हनुमान बेनीवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार अंतर यह था कि हनुमान बेनीवाल निर्दलीय न लड़कर भाजपा के साथ अलायंस में चुनावी मैदान में थे और मिर्दा से उनकी सीधी टक्कर थी। राजधानी जयपुर में सोमवार को सिरसी रोड स्थित स्विजीसिप चाय ले रेस्टोरेंट में एमएमटी मॉडल्स की ओर से आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2024 सीजन 4 के पोस्टर लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया। इसमें पेजेंट के डायरेक्टर टीम गेस्टेस व मॉडल्स ने इस पेजेंट के ऑफिशियल पोस्टर को मीडिया के सामने लॉन्च किया। इस पेजेंट के फाउंडर डायरेक्टर अशफाक शाह ने बताया कि इस नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट का चौथा सीजन है। इस पेजेंट में ऑल ओवर इंडिया से मिस व मिसेज कैटेगरी की मॉडल्स पार्टिसिपेट करेगी। मिस कैटेगरी में 18 से 30 साल की और मिसेज कैटेगरी में 22 से 50 साल तक की मॉडल्स को मंच प्रदान किया जाएगा। इस इवेंट का उद्देश्य मॉडलिंग के साथ विवाहित व विवाहित महिलाओं को प्रमोट करना व शहर के लोकल टैलेंट को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर देना है। पोस्टर लॉन्च एक्टिविटी में सुपर मॉडल एक्टर सिरेना बनर्जी के साथ साथ गेस्ट के तौर पर प्रकाश चंद्र सैनी, मनीष सोनी, मुकेश पुनिया उपस्थित रहे। खबर रूपबास कस्बे से, जहां धौलपुर रोड स्थित गार्डन में कुशवा समाज का सम्मान समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया। अध्यक्षता पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, राम स्वरूप, सोनम शैली, विधायक अमर सिंह जाटव, रितु बनावत, निर्भय लाल, प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। इसके बाद देर शाम भगवान लवकुश की शोभा यात्रा कुशवा समाज के द्वारा निकाली गई। बताइए, एमएमटी सीजन 4 का आयोजन करवाने जा रहे हैं, तो इस बार क्या यूएसपी है, क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, और बच्चे या मॉडल्स जो आपको कनेक्ट करें वो किस रीजन से करें? जैसे हमारा हर बार का यही चीज़ है, हमारा चौथा सीजन है, हमने तीन कर चुके हैं। अप्रैल में जैसा हमारा हुआ था, अभी 2024 में होगा, 7 जनवरी को हमारा शो ग्रैंड फिनाले है, इसी शो का जो फोर्थ सीजन का ग्रैंड फिनाले है। और इसमें क्या सेल जितने भी हम मॉडल्स ला रहे हैं अलग अलग स्टेट से, जहाँ हम स्टेट नहीं जा चुके छोटे लेवल से, वहाँ से सबसे हम लेके आ रहे हैं उनको, और एक अलग प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं आगे उनको वर्किंग देंगे 100%। अभी मैं कुछ और भी वर्क कर रहा हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म का हमारा पूरा है, आपके 100% प्लेटफॉर्म ही देंगे ये चीज़ें। ऑडिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ऑडिशन होगा, किस सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा मॉडल्स का, वो क्या क्राइटेरिया रहेगा? जैसे ऑडिशंस तो हमारा जयपुर में ऑफलाइन होगा, बाकी हमारे स्टेट में ऑनलाइन चल रहा है, हमारे यहाँ कंटिन्यू भी बहुत स्टेट में हमने मॉडल सेलेक्ट भी कर चुके हैं, 15 से 20 मॉडल सेलेक्ट होगी, बाकी जयपुर ऑफलाइन हमारा रहेगा। तो हम जयपुर की जो विनर्स रहने वाले हैं उनके लिए कोई खास अट्रैक्शन या कुछ किसी तरीके का प्राइज मिलने वाला? जैसे हमने पिछली बार भी 10 लाख दिए थे हमने प्राइज, अब की बार हम थोड़ा कम कर दिया, 2-1 लाख रुपये हम विनर को प्राइज देंगे, 51st को सेकेंड 30,000 हम दे रहे हैं, कैश प्राइज मिलेगा। पहले हमने गाड़ी की वजह हमने कैश प्राइज ही दिया था। जैसे सेलिब्रिटी भी है इसमें गेस्ट, जैसे रश्मि देसाई हमें है शोज में आ रही है, हमारे 7 जनवरी को हमारा ग्रैंड फिनाले है जयपुर में,
और इसके अंदर प्लान और भी हम सेलिब्रिटी सोच रहे हैं, और भी हमारा एक दो सेलिब्रिटी का प्लान है, मगर कंफर्म तो ये रश्मि देसाई कंफर्म है हमारे पास, वीडियो वाइट उनकी है, और 1 अक्टूबर को हमारा ऑडिशन से जयपुर में ऑडिशन है। और आपका नाम बता दीजिए। माय नेम अशफाक शाह और फाउंडर एंड डायरेक्टर MMT मॉडल इंडिया। पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग पधारे, और मिस्टर अशफाक जिन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ पर रखा MMT मॉडल, और हमारा रेस्टोरेंट जो स्विजी शिप चाय लेक के नाम से है, वो एक सिरची रोड जो पांचावाला है जयपुर में है, और इन फ्यूचर हम ऐसे ही इवेंट आते रहेंगे हमारे पास। और ये कुछ ऐसा इंटीरियर है जो मिस्टर अशफाक ने यहाँ पर चॉइस किया है कि मेरी पहली पसंद ये स्विजी शिप चाय है। मैं ये प्रोग्राम पहले भी कर सकता था, बट मैं वेट कर रहा हूँ जब तक ये रेडी ना हो जाए। अभी भी इसमें कुछ काम पेंडिंग है, और इस मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ज़्यादा को कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तो अशफाक भाई ने सब कुछ बोल दिया है, जो उन्होंने कहा वो ही मेरा सोचना। थैंक यू। रहना बताइए, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा अब तक MMT के साथ, और आप अगेन एंड अगेन ये जो ग्रुप है, ये जो कंपनी आप काम कर रहे हैं अशफाक के साथ, आप काम कर रहे हैं, जो आपके मेंटर हैं, आपके डायरेक्टर हैं, किस तरीके की जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहे, आगे कैसे देखते हैं अपने आप? एट फास्ट मैं MMT मॉडल इंडिया को मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ अपकमिंग इवेंट्स के लिए, एंड वो सारे मॉडल्स और पार्टिसिपेंट को भी मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ वो जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी एक्सपीरियंस MMT मॉडल के साथ हमेशा अच्छा रहा है, मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इनके साथ कर रही हूँ, और आज भी मैं यहाँ पे पोस्टर लॉन्च के लिए आई हूँ, और बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। आप एक मॉडल रहे हैं, आपका भी एक जर्नी उठा के देखें तो एक मॉडलिंग करियर आपने स्टार्ट किया था, जो आगे नए बच्चे आते हैं, नए फ्रेश आते हैं, जो न्यूकमर्स आते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहो तो क्या देना चाहेंगे इस डिस्ट्रिक्ट लेवल से? सबसे पहले तो हमारे अंदर वो जुनून होनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और हमें उस पर वर्क करना चाहिए, हमें सही रास्ते से प्रॉपर जो चीज़ है वहाँ पे वर्क करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि MMT मॉडल का जो प्लेटफॉर्म है वो सारे पार्टिसिपेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है, जहाँ पे वो अपनी फ्यूचर बना सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर जो आर्ट फील्ड, जो ग्लैमर फील्ड, जो मीडिया फील्ड में बना सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रैना बैनर्जी, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ मॉडल एक्ट्रेस। खबर रूपबास कस्बे से, जहां धौलपुर रोड स्थित गार्डन में कुशवाह समाज का सम्मान समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष JP वर्मा की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया। अध्यक्षता पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, रामस्वरूप सोनम शैली, विधायक अमर सिंह जाटव, रितु बनावत, निर्भय लाल, प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। इसके बाद देर शाम भगवान लवकुश की शोभा यात्रा कुशवाह समाज के द्वारा निकाली गई। बस्ती से खबर, जहां कार्यक्रम में मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पढ़ा गया संदेश। ACS शिखर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक एक तिहाई क्षेत्रफल में वन होना चाहिए। राजस्थान में 20% की जरूरत है, लेकिन 10% भी नहीं, इसलिए वन भूमि के बाहर पौधारोपण पर जोर देना होगा। वन क्षेत्र में 80,000 हेक्टेयर के पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर वन विभाग के CCF मनफूल सिंह ने नर्सरी विकास की और उपलब्धियां भी गिनाई है। लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है कि बाहर जंगल है, ये ऐसा सरकार ने बोलता है।
वहाँ पर देशनोक से खबर, जहां भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कोलायत विधानसभा क्षेत्र के देशनोक में पहुंची, जहां बीकानेर देशनोक सड़क मार्ग पर जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर सांसद बालकनाथ, प्रदेश उपाध्यक्ष सीआर चौधरी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला इस यात्रा में शामिल हुए और करणी माता मंदिर में पहुंचकर धोक लगाई और मंदिर परिसर के पास ही आम सभा का भी आयोजन किया। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से क्या आप लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं? हम तो लोगों का आशीर्वाद देने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो उनका आशीर्वाद शुभकामनाएं हमको मिले और माता करनी माता की कृपा और उनका आशीर्वाद मिलकर हमें ये शक्ति प्रदान करें कि हम राजस्थान के अंदर जनता का विकास आगे बढ़ाएं, राजस्थान के अंदर जनता तक विकास पहुँचाएं, योजनाएं पहुँचाएं, जनता को सुख दें और राजस्थान में कानून का राज हो। इस प्रकार का आशीर्वाद लेने हम जनता के बीच में पहुंचे हैं कि हमारा ध्येय और हमारी सेवा का भाव स्पष्ट है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय पर भाजपा का राजस्थान में सेवा करने का दायित्व राजस्थान की जनता देगी और उस सरकार का केवल दो ही ध्येय होगा, राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना और राजस्थान के अंदर कानून का राज होना, यही भाजपा की प्राथमिकता है। परिवर्तन यात्रा देश में पहुंची है सर, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? कांग्रेस के शासन में जो अत्याचार और अनाचार बना, वो शासन कानून व्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए परिवर्तन की संकल्प यात्रा लेकर के हम निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता में जबरदस्त उत्साह है इसके प्रति। सिरोही से खबर, जहां भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सिरोही जिला मुख्यालय पर पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर यात्रा का आयोजन किया, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए रामझरोखा मैदान पर पहुंची। रामझरोखा मैदान में आमसभा का भी आयोजन किया। आमसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की योजनाओं का खूब बखान किया। विश्व में बड़ी भारत की प्रतिष्ठा को लेकर शेखावत ने खूब वाहवाही की। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के बिलावली रोड पर करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला करने सहित मारपीट का मामला सामने आया, जिसे युवक भेनूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी अनुसार बिलावली गांव निवासी भेनूलाल किसी काम से बाईपास से होते हुए मल्हारगंज की ओर जा रहा था। इस दौरान भेनूलाल पेशाब करने के लिए रस्ते में रुका, जहां कस्बे निवासी महेंद्र सिंह जोधाना के साथ वह फरियादी के बीच कासुनी हुई, जिसको लेकर महेंद्र सिंह के साथियों द्वारा इसकी जानकारी दी। वह करीब 3 दर्जन साथी उसके मकान पर जन्मदिन मना रहे थे, तभी अचानक युवक पर हमला बोल दिया, जिससे बिलावली निवासी भेरूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या करी आपके साथ पिटाई? मेरे साथ महेंद्र बना और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मुझे लातों गुस्से और लट से मारा। मेरे यहाँ टाँके भी आए, मेरी खोपड़ी मेरे आंखों में भी खून आ रहा, आपको दिख रहा है। क्यों मारा? नहीं, पोकट में हम रोड पे जा रहे थे तो रुक के ने पेशाब कर लिया, तो वो आया कि क्यों यहाँ पेशाब करने की जगह, तो उसने बोल दी कि साहब नहीं करेंगे आप, इतने में तो वो गया, जो उधर से 5-50 आदमी को बुला के लाया, जो मुझे रोड पे मेरी गाड़ी में से उतार के ने नीचे डाल के यहाँ भी लग गई मारे गर्दन पे पकड़ो मेरी, जो महेंद्र बनाने बना के वहाँ पोटी पे तोकिन लगी हम है भाई, जीप में डालने मारी गाड़ी, दूसरा आदमी चलाने लगे वहाँ ले। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से खबर, जहां बाणसागर देवलोद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाणसागर में कलेक्टर वंदना वैद्य ने मतदान जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बीएलओ व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के नाम जोड़ने व नगर में न रहने वाले या मृतकों के नाम काटे जाने के निर्देश भी। कुशीनगर से खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम के तहत गांव सभा में पवित्र मिट्टी अमृत कलश वाटिका प्रभात फेरी कर कलश में मिट्टी और अक्षत एकत्रित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष महेश रोनियार ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अब देश को आजाद कराने वाले भारत माता के महान सपूतों के गांव
पवित्र मिट्टी से राजधानी दिल्ली में अमृत कलश वाटिका बनाने की तैयारी है। कोलायत से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांगड़सर में स्थित आरडी 860 पर जीएसएस के आगे आज किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों व मंत्री और साथ में कांग्रेस मुर्दाबाद के नारों के साथ जीएसएस के आगे विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि गदिनों से लाइट समय पर न आने की वजह से खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी है। दूसरी ओर जीएसएस व एफटीआर से संबंधित सम्मान भी उपलब्ध नहीं। किसानों ने कहा कि यहां सम्मान न होने की वजह से हमें बज्जू जाना पड़ता है। आज 860 जीएसएस पे ग्रामीण एकत्रित हुए थे। पिछले कई दिनों से लाइट में व्यवस्था बनी हुई है, कुछ समय सारणी को लेके कुछ वो था, डाउट था कि टाइम क्या रखा जाए, थ्री फेज का सिंगल फेज नहीं आ रही, कुछ लाइनें पुरानी हैं उनमें फॉल्ट हो रहा था। और आज सभी किसानों को एकत्रित किया गया था कि हम लोग बैठ के आपस में सूझबूझ के साथ में कुछ अच्छा फैसला लें, ताकि जितनी भी लाइट आ रही है उतनी किसान तक सुधार से पहुँच सके। इसमें कुछ बातें थी, कुछ सामान थे, एफआरटी टीम से लेट कुछ बात थी, वो हमने आईएन साहब के साथ में डिस्कशन की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बुधवार को 12 बजे तक सारी समस्याओं का निवारण कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन में सभी ग्रामीण घर जा रहे हैं, और अगर बुधवार तक नहीं होता है तो फिर आगे इन्हीं ग्रामीणवासियों के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला करने का बात करें। राजस्थान